हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और सब्जी वाला है नीचे, तो उसकी आवाज़ आएगी थोड़ी सी। तो इधर बना रही हूँ मैं बेंस आलू की सब्जी और वीडियो स्टार्ट कर लिया था। और ये बोतल मैंने रात को धो धो के सारी रख दी थी, तो इनको भर के रख देती हूँ। तो इधर देखिए, मैंने ये बोतल धो के रखी थी, वो भर भर के सारी रख दी हैं। और थोड़ा सा पता नहीं, मेरा कैमरे पर हाथ लग गया था मोबाइल के, तो उससे क्या है ना, धुंधला धुंधला सा लग रहा है वीडियो। और शाम को नहाती हूँ तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, गर्मी फिर से दिल्ली में बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा। और पता है वही डेली का एक तरह का वीडियो, मेरा बेटा बोल रहा था कि ना कॉन्टेक्ट थोड़ा सा कुछ चेंज करो, वही डेली का वही डेली का। तो पता नहीं, कहीं बाहर जाना आना होता नहीं है, डेली में जो घर में करती हूँ वही दिखा देती हूँ। तो वो रखा है एक तरह का ही वीडियो, रोज रोज डेली डेली वही एक ही। तो क्या करूँ, फिर मजबूर हूँ कि कहीं जाना आना होता नहीं है, और कहीं जाओ आओ तो फिर वीडियो कहीं से भी शूट करो तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। तो देखिए, इधर मैंने बीन्स आलू की सब्जी बना दी है। और अभी गर्मी में कोई भी सब्जी बनाओ कैसी भी अच्छी नहीं लगती है, बीन्स आलू हो या कुछ भी हो। तो देखिए, इधर मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद में मैं नाटा लगा के रखा, तो रोटियां बना लेती हूँ। और इतना पसीना चल रहा है, इतना चल रहा है कि बहुत ज़्यादा। बीच में मेरा मतलब पेट की खाल जल सी गई थी गर्मी की वजह से, फिर वही हाल होने वाला है, क्योंकि फिर वही से गर्मी हो रही है। मेरी स्किन मतलब बहुत जल्दी जलती है पसीने से ही, बहुत ज़्यादा। तो अभी पसीना इतना चल रहा है, और फिर भी मैं मॉर्निंग में ही सारा काम कर लेती हूँ, जैसे खाना पीना बनाना हो मॉर्निंग में कर लेती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और मैं रोटियाँ बना के अभी रख लूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर देती हूँ। नहाती जब हूँ पहले पूरा काम कर लूँगी, फिर नहा के लगो तो एक जैसे हो जाते हैं। और ये देखिए, दूध ले आया बेटा, तो दूध भी गर्म करूँगी अभी। और इधर ब्रेकफास्ट में आज सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने परांठे ही बना दिए, खाली परांठे, दही से या कोई अचार से जो भी खाएंगे खा लेंगे बच्चे। तो और वही डेली का रूटीन होता है घर का, वही डेली का होता है, घर में क्या है और नया, तो बस यही होता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शूट करके डाल देती हूँ। तो देखिए, इधर मेरी रोटियां वगैरह बन चुकी हैं, और इधर पूरा करके रोटियां वगैरह बना के बिस्तर पड़ा है। बच्चे लेट उठते हैं तो फिर बिस्तर रहता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बिस्तर को उठा के करके आती हूँ, क्योंकि अकेली के लिए सारा कुछ किचन में भी करो, फिर बिस्तर वगैरह भी उठाओ, तो बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारा। और फिर बच्चे जल्दी उठ जाएँ तो जल्दी भी काम हो जाता है, बच्चे लेट उठते हैं तो फिर लेट ही होता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है अकेले काम करने में। और फिर भी मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ, और हस्बैंड होते हैं ना तो थोड़ा सा सहारा लगा देते हैं, कुछ ना कुछ या किचन में दे आओ उसमें कर देंगे, या कोई ना कोई काम कर देंगे, पर अकेले तो बहुत मुश्किल है। तीन बच्चे, और मैं सोचती हूँ जिनके तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं वो कैसे काम कर लेते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। और यहाँ तो तीन बच्चे, इतना काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है सब कुछ, और कुछ सोफ़ा वगैरह तो सेट में जब भी कर लेती हूँ, जब पता है चाय वगैरह पीती हूँ ना, चाय बना के रख देती हूँ, सोफ़ा वगैरह सेट कर देती हूँ, इतने में चाय मेरी रखी रहती है, फिर मैं कर देती हूँ। तो देखिए, इधर आ गई हूँ किचन में, किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे इनको साफ़ किया है, किचन वगैरह साफ़ करूँगी। खाना पीना पूरा बन गया था, पहले बिस्तर सेट किया, उसके बाद मैं किचन में आ गई। और किसी दिन जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर क्या करती हूँ, जितना खाली होता है ना एक रूम छोड़ के बाकी पूरे में पोछा लगा देती हूँ। फिर बच्चे उठ जाए, थोड़े से दीदी का जो बेटा है उसकी क्लास वगैरह सुबह 8 बजे ऑनलाइन चल जाती है, तो वो पढ़ाई करता है तो जल्दी उठ जाता है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो इधर देखिए, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, गैस वगैरह को साफ़ कर देती हूँ। और देखिए, पूरा एकदम गैस वगैरह मेरी साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। और जब काम करते हैं ना, जैसे खाना पीना बना, पूरी किचन भरी भरी सी लगती है, और जब साफ़ सफाई कर दो तो एकदम से साफ़ हो जाती है। तो इधर मैंने सिंक वगैरह पूरी साफ़ कर दी है, तो वही डेली का एक तरह का वीडियो, वही डेली का एक तरह का वीडियो देख देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो क्या करूँ फिर, मैं समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैंने सिंक वगैरह पूरी साफ़ कर दी है, और बाल
इसमें किचन में पोछा लगा देती हूँ। और आज तो पूरा ही घर पड़ा है, बस पूजा की तरफ मैंने बच्चों ने पूजा वगैरह की, बेटे ने तो पूजा की तरफ लगा दिया है, बाकी पूरा ही घर पड़ा है, पूरा घर तो उसमें पोछा लगाऊंगी। और इधर सिंक के नीचे वगैरह मैंने पूरा साफ कर दिया है। तो चलिए देखिए, इधर मैं बालकनी में आ गई हूँ। बालकनी को डेली हवा चलती है, हवा धूल सी चलती है डेली, इतनी तेज चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, सब काम हो रहा है। तो फिर मैं उसको पहले धोती हूँ, धोने के बाद मैं फिर पोंछा लगा, और इतना धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, पता नहीं कभी कभी कैमरे पर क्या होता है कि इतना धुंधला सा दिखता है, और कभी कभी एकदम से साफ दिखता है। तो बस देखिए, मेरा पोंछा वगैरह हो चुका है, और इधर अब आ गई हूँ इसमें हॉल में लगाती हुई, क्योंकि मुझे हॉल वगैरह पूरा ही घर पड़ा है आज पोंछा के लिए। फिर भी आज जैसे सुबह को जल्दी उठ के पोंछा कर लेती हूँ, फिर भी 11-12 बजे काम ख़त्म हो जाए, और आज मैंने 10:30 बजे काम ख़त्म कर दिया। 11 बजे मैं नहा धो के कपड़े वगैरह धो के और फ्री हो गई थी, और जिस दिन सुबह जल्दी जल्दी करो ना, नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या होता है, और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है अभी, और काम करती रहती हूँ पर सिर में दर्द मेरे चालू है, क्योंकि मेरे माइग्रेन है, तो माइग्रेन का दर्द 3-4 से 5 दिन तक नहीं जाता है, तो वो तो होता ही है, टेबलेट खा लेती हूँ और दर्द को बर्दाश्त करती रहती हूँ, बस यही चल रहा है। तो इधर देखिए, पूरे घर में मैं पोछा लगाती हुई आ रही हूँ, और घर का तो बस वही रहता है कि डेली का घर का काम है, खाना पीना बनाना, वही रूटीन रहता है, तो वही डालना पड़ता है फिर, तो कोई नहीं, जो मॉर्निंग का ही ज़्यादा रूटीन रहता है तो मेरा मॉर्निंग का ही है, और शाम को फिर हिम्मत नहीं होती है, एक तो गर्मी होती है, और शाम को वीडियो बनाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं करती है कि वीडियो बनाने। तो इधर देखिए, वैसे मैं जिस दिन करती हूँ ना, तो कूलर वगैरह हटा हटा के मेरा पोंछा हो जाता है, और आज नहीं हुआ था तो फिर पूरा ही करना पड़ा मेरे को अच्छे से। और बच्चे जब तक दो नहा लिए हैं, और दीदी जो बहन की मेरी की बेटी है वो रह गई है नहाने के लिए, तो वो नहाएगी बस। और तो देखिए, इधर किचन का कपड़ा है मैंने इधर ला कर रख दिया है, अब बाथरूम वगैरह धोना है, उसको धोऊंगी और उसके बाद में नहा के आऊँगी, नहाऊँगी। और नहाना भी इतना मुश्किल होता है कि इतना पानी गर्म आता है टंकी का, इतना ज़्यादा गर्म आता है कि डालना शरीर पर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, और दिल्ली में फिर से अलर्ट हो गया जा रही, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ेगी, उसका पता नहीं दिल्ली में तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इधर देखिए, मैं बाथरूम में आ गई थी और बाथरूम को धो देती हूँ। मेरे बाथरूम अच्छे से हफ्ते में एक बार साफ होती है ये वाली, वैसे मैं डेली पानी मार के धोती हूँ, और पानी से तो डेली धोती हूँ, यूज नहीं होती, फिर भी मैं पानी से डेली धोती हूँ इसको। तो और अब भी वीडियो एडिटिंग करते करते भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पर वीडियो एडिटिंग तो करनी है, ये मेरा काम है, और क्योंकि सिर में दर्द हो कुछ भी हो, वीडियो एडिटिंग करनी है, क्योंकि जो काम होता है वो तो करना ही करना रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए वीडियो एडिटिंग कर दूँ, शाम को नहीं हो पाती है, क्योंकि शाम को फिर मैं क्लास वगैरह भी जाती हूँ, तो शाम को टाइम नहीं मिलता है, और जो चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, जो हमारा काम है वो तो करना ही पड़ेगा, तो यूट्यूब पर जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने बाथरूम वगैरह धो दिया, और धोने के बाद में ये रूम रह गया था, और वो वाला भी रूम पड़ा है आज, तो बस दोनों रूम हैं, इनमें दोनों में पोंछा लगाना है मुझे, और तो बस लगाती जाऊंगी, ज़्यादा नहीं बचा है। किचन का काम हो जाए तो समझो कि सारा काम हो गया है, और किचन का तो हो गया, मैं करके आ गई हूँ। इधर देखिए, नहाने के लिए मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, और अभी नहाना है मुझे तो, और कपड़े धोने, कपड़े पड़े हैं बच्चों के भी हैं मेरे भी हैं, तो बस कपड़े वगैरह धोने और नहाना है। तो जो हमारा जैसे घर का काम होता है वो हम करना ही करना है, जो कुछ भी हो जाए, वैसे ही हमारा वीडियो का काम हो जाता है, होता है, क्योंकि कुछ भी हो हमें वीडियो डालना ही डालना है, और नहीं डालते तो हमें एवरेज भी वीडियो की, मतलब उसकी चैनल की ख़राब हो जाती है, और अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो जो काम है हमारा, तबीयत खराब हुई कुछ भी करना तो करना ही है। तो देखिए, मैं इधर इस रूम में यहाँ तक पोंछा लगाते लगाते आ गई हूँ, और
दूसरे वाले रूम में पहुंच गई हूँ। उधर बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उधर तक मैं कैमरे को नहीं ले जाऊंगी, इधर तक ही करूंगी। और तो देखिए मैं इधर बैठी थक चुकी हूँ, और इधर मैं बोल रही थी मेरे सिर में इतने में ही दर्द होता है, बस आँख के बराबर थोड़े में, आधे आधे में दर्द, और इतना भयंकर होता है जैसे कट कट कोई कुछ मार रहा हो ना, वैसे दर्द होता है। तो पूरा घर एकदम से साफ पड़ा था, मैंने सोचा चलिए बातें कर लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब कटकट होती है, बहुत ज़्यादा। टेबलेट खाती हूँ बस थोड़ी देर शांति मिलती है। और आप लोगों को कुछ पता हो माइग्रेन में कोई देसी चीज़ क्या खा सकते हैं तो उससे ठीक हो जाए तो बताना मुझे। और दवा वगैरह तो मैं खा रही हूँ, कंटिन्यू चल रही है मेरी दवा, पर ठीक नहीं होता है। ठीक हो जाएगा फिर शुरू हो जाएगा, तो एक हफ्ता अभी चला जाए तो भी कुछ नहीं, 4-5 दिन तो जाता ही जाता है। तो चलिए कोई नहीं, फिर और काम वगैरह हो चुका है और 10:30 बज चुके हैं, तो बस वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो बाय, कल मिलती हूँ। देखिए 10:30 बज